शुरुआत करते हैं जहां खबर है महंत नरेंद्र गिरी के मौत से जुड़ी हुई। इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश को मंजूर कर लिया है केंद्र सरकार ने। अब केंद्र सरकार ने जांच की सिफारिश को मंजूरी देने के साथ ही सीबीआई को ये मामला सौंप दिया है। तो यूपी सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी, सिफारिश की थी और आज ये माना जा रहा है सीबीआई प्रारंभिक जांच का केस दर्ज कर सकती है। जबकि 5 सदस्यीय टीम कल ही प्रयागराज पहुंच चुकी थी, मंजूरी से पहले ही बैकग्राउंड को समझने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तमाम अधिकारियों के साथ 5 सदस्यीय टीम ने बातचीत की थी, मुलाकात की थी और अब जबकि मंजूरी मिल चुकी है सिफारिश को, तो आज इस मामले की प्रारंभिक जांच दर्ज की जा सकती है और इसके साथ ही शुरुआत हो जाएगी। तो औपचारिकता के तौर पर जिस मंजूरी की जरूरत थी वो भी मिल चुकी है। सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम पहले ही प्रयागराज पहुंच चुकी थी जहां पर वो प्री वर्क कर चुकी थी। तो आज प्रारंभिक जांच की शुरुआत होगी और महंत नरेंद्र गिरी के मौत मामले में सीबीआई जांच की मांग या सिफारिश यूपी सरकार ने ही की थी और इसके तहत आज ये मंजूरी मिल चुकी है। तो आज सीबीआई के हवाले हो जाएगा ये पूरा केस और यहां से सीबीआई तमाम पहलुओं की जांच करेगी कि जो कुछ साक्ष्य सबूत इस वक्त एसआईटी के पास थी या फिर पुलिस के पास थी, वो सारी चीजें हैंडओवर होने के बाद इस मामले की शुरुआत जहां केस दर्ज कर सकती है सीबीआई, प्रारंभिक जांच को रजिस्टर करने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। आपको बताएं महंत नरेंद्र गिरी के मौत के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने ही मांग की थी, सिफारिश की थी कि सीबीआई से इसकी जांच कराई जानी चाहिए। तो अब यह सिफारिश मंजूर हो चुकी है, अब सीबीआई अपना काम करेगी। चलिए तो आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में जेल में बंद आरोपी अनंत गिरी अपनी जान को खतरा बताया अनंत गिरी ने और कोर्ट से सुरक्षा देने की मांग की, जिस पर कोर्ट ने प्रयागराज की नैनी जेल अधीक्षक को अनंत गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को जेल मैनुअल के मुताबिक सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं और अब इस मामले में अनंत गिरी समेत तीनों आरोपियों की पेशी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। आपको बता दें कि अनंत गिरी की जान को खतरा बताते हुए उसके वकील ने कोर्ट में अनंत गिरी को सुरक्षा देने की अर्जी दी थी। वकील ने आशंका जताई थी कि उसके मुवक्किल अनंत गिरी पर नैनी जेल के अंदर हमला हो सकता है। बिल्कुल कौशल, क्योंकि बुधवार को पेशी के दौरान ही अनंत गिरी और आद्या तिवारी से कोर्ट परिसर में हाथापाई हुई थी और अब जब सुरक्षा की गुहार लगाई थी तो इस पर फैसला ये है कि सुरक्षा के मामले में बात आगे बढ़ेगी। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर आनंद गिरी को जान का खतरा है तो किससे? क्या कुछ सफेद पोश लोग इसके पीछे हैं? वो लोग हैं कौन या हो कौन सकते हैं जिसकी वजह से आनंद गिरी खौफ में है, असुरक्षित महसूस कर रहा है और सुरक्षा की गुहार लगा रहा है? बिल्कुल, तो ये तीन गुनाहगार जो इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, आरोपी नंबर 1 आनंद गिरी, आरोपी नंबर 2 आद्या तिवारी और उन्हीं का बेटा आरोपी नंबर 3 संदीप तिवारी, ये तीनों रिमांड में है और बड़ी बात यह है कि ये कहते हैं कि हमारी जान को खतरा है, हम सुरक्षित नहीं है। हाथापाई की तस्वीर तो है या खबर तो है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इनको किससे खतरा हो सकता है? क्या कुछ सफेद पोश लोग हो सकते हैं? अब देखिए जरा जमीन विवाद को भी समझिए, गुरु शिष्य के बीच जमीन विवाद वाला एंगल क्या कहता है कि महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच जमीन को लेकर विवाद था। ये जमीन प्रयागराज के सदर इलाके में मौजूद है। पूरा विवाद अराजी संख्या 282/1 है। लीज पर ये जमीन ली गई थी पेट्रोल पंप के लिए बताया जा रहा है, लेकिन इस जमीन को लेकर हामी नहीं थी महंत नरेंद्र गिरी की, तो इस वजह से कश्मकश की स्थिति थी या फिर मनभेद की स्थिति थी। ये जमीन वाला मसला या एंगल जिसे आप कह सकते हैं ये भी निकल करके सामने आया है। गुरु शिष्य के बीच ये जमीन विवाद का एक जड़ था। हालांकि जड़ें कितनी गहरी हैं और कहां कहां से जुड़ी हैं यही खंगालने में अब सीबीआई की पूरी टीम जुड़ेगी।
तो चलिए अब इस खबर की ज्यादा डिटेल के लिए ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। वीरेश, सुबह के वक्त अब कौन कौन सी अपडेट और जानकारी मिल पा रही है, जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, भक्तों को, दर्शकों को और सनातन धर्मियों को जो घटना हुई है उसके हिसाब से मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि महंत नरेंद्र गिरी के देहावसान के बाद जहाँ के महंत हैं यानी लेटे हुए हनुमान मंदिर की क्या स्थिति है, भक्तों की क्या स्थिति है, श्रद्धालुओं की क्या स्थिति है। त्रिवेणी पर गंगा स्नान करने के बाद बहुत सारे श्रद्धालु वहाँ से आते हैं और लेटे हुए हनुमान मंदिर का दर्शन करते हैं। यहाँ के महंत का निधन हुआ है, दुखद निधन हुआ है, उसके बाद यहाँ के साधुओं में और जो भक्त हैं उनमें क्या स्थिति है और इस मंदिर की क्या स्थिति है दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। सुबह का वक्त है, भीड़ रहती थी पहले बहुत ज़्यादा, लेकिन भीड़ की कमी है क्योंकि अभी महंत तय नहीं हो पाया है, उत्तराधिकारी तय नहीं हो पाया है। और आप देखिए, मैं दर्शन करा रहा हूँ सुबह सुबह लेटे हुए प्राचीन हनुमान मंदिर का, जो त्रिवेणी तट पर है, संगम तट पर है, किला रोड पर है, और भक्त धीरे धीरे आ रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करता हूं। तो बिल्कुल, हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त लेटे हनुमान जी के दर्शन करा रहे थे, यही वो मंदिर है जो, बिल्कुल वीरेश आप कनेक्ट हो चुके हैं, बताइए। मैं ये कह रहा था कि आप सब के बाद जब महंत जी थे तो उनकी दिनचर्या थी कि लगभग 6 बजे आते, 7 बजे, तो उस समय और इस समय अभी तो मंदिर अभी कल से खुला है, 2 दिन तो बंद ही था। और दर्शनार्थी तो वैसे ही आ रहे हैं जैसे पहले आ रहे थे, संख्या कम। हाँ, संख्या भी कम है। जो गुरुजी हैं जो पूजा पाठ करा रहे हैं, ये हमेशा कराते रहे, इनसे बात करते हैं। गुरुजी, महंत जी के नहीं रहने के बाद आपको लग रहा है कि मंदिर चूंकि बंद था, पहली बार ये बंद रहा है अब तक जब से है, लेकिन क्या भक्तों की भीड़ कम हुई है? नहीं, मंगलवार शनिवार ज़्यादा भीड़ होती है और कम है। तो भक्तों की क्या प्रतिक्रिया है इस पूरी? वीरेश, कनेक्टिविटी का इशू है, हम क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, ना ही सुन पा रहे हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरीके से, जिस लेटे हनुमान मंदिर में आप मौजूद हैं, प्राचीन मंदिर मौजूद है, और आपने बताया कि किस तरीके से ये कभी बंद नहीं रहा, और लोगों के लिए ये अलग रहा होगा कि ये पूरा मंदिर बंद रहा और वजह भी बेहद अलग थी। बिल्कुल स्नेहलता, और नैनी जेल, प्रयागराज की नैनी जेल से हमारे संवाददाता नीतीश पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश, जिस तरह से कोर्ट में आनंद गिरी ने अपनी जान को सुरक्षा बताते हुए, खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की थी, और उसके बाद कोर्ट ने आदेश भी दिया था जेल अधीक्षक को, अब क्या कुछ तैयारी है, किस तरह की सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है? और ये भी माना, ये भी इस तरह का भी निर्देश दिया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रेस जो है पेशी होगी अब तीनों आरोपियों की। निश्चित तौर जी कौशल, इस वक्त मैं जो नैनी सेंट्रल जेल है उसी के बाहर ही खड़ा हूं। आप देखिए यहां पर इस नैनी सेंट्रल जेल के गेट को देखिए, ये गेट बंद किया गया है, इसके अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। मीडिया को भी कहा गया है कि आप बाहर से ही यहाँ पर कैमरा लगाएं, क्योंकि अंदर की अनुमति नहीं है, आप मुख्य द्वार तक नहीं जा सकते। यानी सेंट्रल जेल की सुरक्षा और भी चाक चौबंद कर दी गई है। सवाल ये है कि आनंद गिरी, इसके साथ आद्या तिवारी, इन दोनों को जान का खतरा है ये कहा गया है उनकी अपनी अर्जी में, सीजीएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। इसके साथ ही अगर आनंद गिरी की बात करें तो उन्होंने अपनी सुरक्षा की मांग की। अगर पिछले दिनों की बात करें तो जिस तरह से आनंद गिरी कोर्ट में पेश हुए, आद्या तिवारी कोर्ट में पेश हुए, उस दौरान उन पर उन कुछ लोगों ने हमला करने का प्रयास किया। लेकिन एक सवाल ये उठता है कौशल कि प्राण घातक हमले की बात हुई है, आखिर कौन आनंद गिरी पर प्राण घातक हमला कर सकता है, ये सवाल उठा है। जेल के भीतर अगर प्राण घातक हमला हो सकता है तो प्रयागराज कितना सुरक्षित है ये भी देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो आद्या तिवारी, उसके बेटे संदीप तिवारी और आनंद गिरी, तीनों को हाई सिक्योरिटी बैरक में रख दिया गया है,
जहां पर ये मौजूद हैं वहां पर जबरदस्त सुरक्षा का घेरा है, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी यहां पर हो रही है और खुद इस सेंट्रल जेल के जेलर पूरी सुरक्षा को जांचते रह रहे हैं, पूरी सुरक्षा पर अपनी निगरानी किए हैं। और आप सेंट्रल जेल को ये देख सकते हैं, नैनी सेंट्रल जेल चारों तरफ से आपको यहाँ पर आपको ये पीला वाला जो कहें ये कमरा दिखाना चाहूँगा, इस कमरे के भीतर ही जो सुरक्षाकर्मी है वो मौजूद हैं। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा ये कैमरे को उठाएं और हम अंदर जाने का प्रयास करते हैं, हालांकि इसकी परमिशन नहीं है, प्रयास करेंगे कि इसको हम दिखा दें कि जो सुरक्षा है वो किस तरह से चाक चौबंद और यहाँ पर कड़ी है। कौशल अंदर हम जा रहे हैं और हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और अंदर आए और देखिए यहाँ पर ज़बरदस्त सुरक्षा का घेरा है, ज़बरदस्त सुरक्षा का घेरा आपको दिखाई देगा। देखिए ये हमारे आगे बढ़ते ही ये सुरक्षाकर्मी पूरी तरह से मुस्तैद आगे आने लगे और पूरी सेंट्रल जेल में आप देखें ये यहाँ पर सुरक्षाकर्मी हम लोगों को रोक रहे हैं कि आप आगे ना आए क्योंकि आगे जो सुरक्षा है वो और भी टाइट है। आप कहेंगे कि पीछे चले चलें और आपको बताएं कि ये पूरा जो मामला है हाई प्रोफाइल मामला, ये पूरा मामला हाई प्रोफाइल है कौशल, लेकिन फिर वही सवाल कि आखिर इस पूरे मामले में जो प्राण घातक हमले की बात कही गई है, आखिर आनंद गिरी पर कौन प्राण घातक हमला कर सकता है? उनके गुरु को जिस तरह से उनके गुरु की मंदिर में छोटे महंत की हैसियत थी, मंदिर में छोटे महंत की हैसियत थी और उनके गुरु की मौत के बाद उनको भी यहां पर आरोपी बनाया गया और इसके बाद प्राण घातक हमला, आखिर कौन है जो मठ और यहाँ के प्रयागराज के जो महंत हैं जो संत हैं उन पर प्राण घातक हमला कर सकता है? ये बड़ा सवाल उठ रहा है। अब देखना ये होगा कि वो प्राण घातक हमला करने वाला व्यक्ति उसकी पहचान भी होती है या फिर अपनी सुरक्षा की मांग होती है। इसके साथ ही आपको बताऊं कि आगे होने वाली सुनवाई हम यहाँ के जेलर से बात की, उनका ये कहना है कि अगर कोर्ट हमें आदेश करेगी तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई भी करवाने के लिए तैयार हैं। अब देखना ये होगा कि क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होती है, लेकिन और भी लगता है कि जितनी परतें हैं शायद खुलनी बाकी हैं। अब इन्हें किससे जान का खतरा है ये जानकारी नहीं है, इससे और भी चीजें उलझती दिख रही हैं। लेकिन जहां से निकल के आते हैं महंत, जहां वो मंदिर से उनको रोज देखा करते थे भक्तजन या फिर वहां पे आने वाले लोग, वहां की तस्वीर अब बदल गई है। आने वाले वक्त में कितना और बदलाव होगा इसके लिए तो एबीपी गंगा बना हुआ, इसीलिए चलेंगे हम वीरेश पांडे के पास, ब्यूरो चीफ इस वक्त मौजूद हैं। वीरेश और जानकारी दे रहे थे, आप बताइए। देखिए महंत तय नहीं है इसलिए श्रद्धालुओं की संख्या भी कम है, भक्तों की भी संख्या कम है और साथ ही साथ इस मंदिर में जो लेटे हुए हनुमान मंदिर में जो गौशाला है और जो गाय हैं वो भी और जो पशु पक्षी हैं वो सब निराश हैं। और मैं दिखाना चाहता हूं कि जब नरेंद्र गिरी जी यहाँ आते थे तो ये जो गाय है उनकी सबसे प्रिय गाय है जो इस लेटे हुए हनुमान मंदिर में रहती है और वो आज भटक रही है, जबकि ये बधी रहती थी। 6 बजे जब हनुमान मंदिर में आते थे लगभग 6 बजे के करीब वो महंत नरेंद्र गिरी जी यहाँ आ जाते थे और इस गाय को गुड़ खिलाते थे, अन्न खिलाते थे, दाना खिलाते थे और साथ ही साथ यहाँ देशी घी से बना हुआ एक बड़ा लड्डू रखा जाता था सवेरे, और जब आते थे तो एक बड़ा लड्डू जिसकी साइज लोग जो दुकानदार हैं और जो यहाँ के पुजारी हैं उनका कहना था काफ़ी बड़ा एक लड्डू होता था जो मेवा और पूरी तरीके से काजू और तमाम जो मेवा होता है उससे बना होता था और बड़ा लड्डू और उसमें घी से बना होता तो उसको खिलाते थे। तो गाय भी भटक रही है, पशु पक्षी भी भटक रहे हैं। और फिर मैं इस पूरे मंदिर का वो दृश्य दिखाना चाहता हूँ कि कहाँ महंत जी बैठा करते थे, कहाँ आज वो चेयर वो गद्दी वो भक्त किस तरह से उदास हैं। देखिए जो सामने जहाँ मैं जा रहा हूँ महंत जी आने के बाद उसी गद्दी पर बैठते थे, ये जो गद्दी है वहाँ पर महंत जी आकर बैठते थे। आनंद गिरी उनके बगल वाली कुर्सी पर बैठते थे, वो कुर्सी भी दिखाऊंगा दर्शकों को, वो गद्दी भी दिखाऊंगा, वो रूम भी दिखाऊंगा, वो कक्ष दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए अभी तक महंत नरेंद्र गिरी जब प्रयागराज में प्रवास करते थे तो इस गद्दी पर आकर जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ 7:15 होने को है, इस दरमियान 6 बजे वो आ जाते थे पूजा पाठ करने के बाद, गाय को खिलाने के बाद, गुड़ खिलाने के बाद, लड्डू खिलाने के बाद, उसके बाद वो यहाँ आ जाते थे, इस गद्दी पर बैठते थे और जो भक्तगण हैं वहाँ आकर नीचे
इतना उनका सम्मान था कि नीचे फर्श पर बैठते थे और आनंद गिरी अगर आते थे तो इस चेयर पर वो बैठते थे, बगल में अपने गुरु के चेयर पर बैठते थे। और जो साधु सन्यासी अयोध्या और काशी से, हरिद्वार से, ऋषिकेश से आते थे तो इन कुर्सियों पर बैठते थे। और जो दूसरे जो शिष्य हैं, जो उत्तराखंड से, जो उत्तराधिकारी की बात हो रही, बलबीर गिरी, उनकी चेयर ये है। ये बलबीर गिरी और आनंद गिरी की चेयर और महंत नरेंद्र गिरी की जो कुर्सी है, गद्दी है, उससे दूरी ये बताता है कि ये उत्तराखंड के जो उत्तराधिकारी के तौर पर किए हैं। तो आनंद गिरी को जब इस बात को लेकर हमेशा मलाल रहता था कि जब जो वो उत्तराखंड देखते हैं तो यहाँ उनके लिए अलग से एक कुर्सी क्यों रहती है, क्यों उन्हें यहाँ दिया जाता है। तो ये कुर्सी की भी लड़ाई, गद्दी की भी लड़ाई, फिलहाल जो साफ ये जो दिख रही है, ये केवल एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सवाल बहुत सारे हैं, यहाँ से लगाए नैनी सेंट्रल जेल तक कई सवाल इस वक्त लोगों के जहन में है। हालांकि एबीपी गंगा लगातार बना हुआ है, हर अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहा है। आप भी बने रहिए वीरेश हमारे साथ, नीतीश भी हमारे साथ बने रहिए। जहां बात कर रहे हैं हम कि आनंद गिरी के बाद आद्या तिवारी और संदीप तिवारी पर सबसे बड़ा खुलासा सामने आया है। प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर के संतों ने एबीपी गंगा पर महंत नरेंद्र गिरी मामले में बड़ा खुलासा किया है कि आखिर क्यों आद्या तिवारी और संदीप तिवारी महंत नरेंद्र गिरी के दुश्मन हैं। ये सारी चीजें तो चल ही रही हैं, लेकिन लेटे हनुमान मंदिर जिसका जिक्र बार बार आ रहा है, वहां की तस्वीर कैसी है, वहां का माहौल कैसा है, ये हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हम तक पहुंचा रहे हैं, लगातार बता रहे हैं। जी वीरेश, देखिए, लेटे हुए हनुमान मंदिर जहाँ के महंत नरेंद्र गिरी और साधु सन्यासी आए हुए हैं यहाँ पर दर्शन पूजा करने के लिए। ये जो मंदिर है इतना भव्य है और यहाँ की परंपरा इतनी प्राचीन है कि जब महंत जी का इतना विशाल हृदय था कि मैं एक और जानकारी दे दूँ कि गौ और गंगा के बड़े सेवक महंत नरेंद्र गिरी हमेशा इस बात का ख्याल करते थे कि जो मंदिर के बाहर ये जो लोग बैठे हैं, झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं, जो मांगते हैं, उनको प्रसाद के तौर पर देसी घी के लड्डू या जो भी लड्डू यहाँ बनता था उनको वो देते थे और पूरा बंटवा देते थे। भंडारे का जितना लड्डू था वो यहाँ से आसपास जितना जो टैक्सी स्टैंड है, सारे जितने यहाँ के जो पंडे हैं, पुरोहित हैं, जो कहा जाता है यहाँ पर घाटिए हैं, उन सब तक वो पहुंचाते थे। कुंटल में लड्डू यहाँ चढ़ता है, बड़ा परंपरा है। गुरुजी के जाने के बाद साधु सन्यासियों के मन में भी एक भाव है, निराशा है। आप पंजाब से आए भाई? पंजाब से आए हैं गुरुजी के सुन के? हाँ, सुन के। हमने हमारा ने फोन है नहीं तो नेट चला के हमने देखा, तो हमने चलो भाई हमारे पहले भी आते थे नहीं, कुंभ में आते थे, कुंभ में आते थे यहाँ पर। हमने जो फोन में देखा कि महंत श्री गुरु नरेंद्र गिरी जी की निधन की सुन के हम यहाँ पे बड़ी दुख के साथ आए हैं और यहाँ पे देख आए तो थोड़ा अच्छा तो नहीं लग रहा। हाँ, नरेंद्र बगैर उनके बगैर अच्छा तो नहीं लग रहा है, उनके दर्शन नहीं लग रहा है साधु सन्यासियों को भी। मैम, आपसे जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ आती थी पहले भी महंत, तो किस रूप में मंदिर में आपको दिख रहा है, ये पूरा बदला हुआ कुछ रूप दिख रहा है आपको? अच्छा, कहाँ से आई? अच्छा, मुंगेर से आई। तो पूजा पाठ कुछ यहाँ के बारे में कुछ पता चला आपको? नहीं जानती आप? चलिए गुरुजी, गुरुजी एक मिनट, पूजा पाठ। जी तो आप यहाँ पुजारी हैं ना? हाँ, कर्मचारी हैं। अच्छा, ठीक है। कुछ पूजा पाठ देखिए, यहाँ पूजा पाठ चल रहा है, यहाँ जितने कर्मचारी पुजारी हैं पूजा पाठ यहाँ करते हैं। गुरुजी, ये जो रूम है जिसे आप बंद कर रहे हैं? हम बंद नहीं कर रहे हैं, वो सब इसी को बाहर रखें, बंद नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। आपके सामने है, उसमें बंद होता तो ताला लगा नहीं, ताला आपने लगा दिया अभी उधर। तो ये बताइए, कुछ बदला हुआ है पुजारी जी? पुजारी जी कुछ बदला? इतना भागने की जरूरत नहीं है, हम भी भक्त हैं, हम भी दर्शन करिए इसे बाहर। बिल्कुल वीरेश, इस वक्त माहौल इतना बदला हुआ है, मैं जानना चाह रहा हूँ कि महंत मतलब है ही नहीं तो हम लोगों को क्या मतलब है? ठीक बात, बिल्कुल। अश्लीलता देखा आपने, झुझलाहट है, नाराजगी है, गुस्सा, हमसे क्या चाहते हैं? लेकिन फिर भी
उसी का प्रतीक है। जब माहौल इस तरीके से बदल गया है तो लोग बातचीत से डर रहे हैं, कैमरे से डर रहे हैं, उन्हें नहीं पता है कि किस तरीके का सवाल उनसे पूछा जाएगा, जिस तरीके की जांच चल रही है। तो यही एक बदलाव है, जो मंदिर में पूजा पाठ का माहौल हुआ करता था वहां एक डर का साया है। कर्मचारी बात नहीं करना चाह रहे हैं, कैमरे से कटना चाह रहे हैं, और ये एक निशानी है कि किस तरीके से अब चीजें आगे बदलेंगी, इस पर निगाहें टिकी रहेंगी। ब्रेक का वक्त है वीरेश, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, नीतीश भी हमारे साथ बने हैं नैनी सेंट्रल जेल से। कौशल, और देखिए ये बड़ी अपडेट है, सुबह से लगाए शाम तक जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, एबीपी गंगा लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहा है।